बस भैया आज का बता देगा कीमा कलेजी बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। कीमा कलेजी चलिए शुरू करें। कीमा कलेजी बनाना क्या बात है भाई, ये सरसों का होता है, पाड़ा हुआ सरसों का दे रहे हैं, पाड़ा हुआ है। अपन 6 किलो कीमा कलेजी बना रहे हैं, ठीक है। फैट डालते हैं अभी, थोड़ी चर्बी रहती है, चर्बी नहीं कीमे मतलब पीसेस के साथ में, क्योंकि आपको पता है गोल बूटी में कितने पीस होते हैं, गोल बूटी निकालनी है, गोल बूटी का जो कीमा बनता है, गोल बूटी हो गई, थोड़ा सा फैट हल्का सा यूज होता है, ज्यादा नहीं होता, क्योंकि जो मटन देखिए अपन क्या है कि मटन में से जो फैट होता है ना वो निकाल देते हैं, उसके बाद थोड़े बहुत जो पीसेस वगैरह बचते हैं ना उसमें से निकलता है पूरा की कलेजी के टुकड़े लेते हैं। चलो मिर्ची डालते हैं, कड़ा मसाला अच्छा अच्छा डिपेंड करता है, वो डालते हैं डालते हैं। कई बार क्या होता है कस्टमर ज्यादा है उसके पास आगे, कस्टमर काटने वाले के पास, कस्टमर जो कलेजी ज्यादा प्रीफर करते हैं, गुर्दा कोई करता नहीं। तो भाई इन्होंने तेल के अंदर मिर्ची के साथ साथ इन्होंने प्याज डाल दिया, अब ये थोड़ा सा ब्राउन करोगे ना, बिल्कुल ब्राउन, बिल्कुल जैसे मटन की करते हो वैसे करोगे या थोड़ा सा ही करोगे? नहीं मटन से थोड़ा कम करेंगे, मटन से थोड़ा कम। बताओ क्या होता है, ये थोड़ा लपटवा बनता है तो प्याज थोड़ा आना चाहिए, हल्का सॉफ्ट प्याज, खत्म कर देंगे प्याज को तो फिर क्या ग्रेवी, वो ग्रेवी ऐसा बनेगा, फिर कीमा दरदरा नहीं बनेगा। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं, प्याज ना पक चुका है, भुन चुका है, ज्यादा नहीं पकाते प्याज को, लहसुन का इसमें अपन दोनों एक साथ डाल रहे हैं। टमाटर डाला जा रहा है, अपने इसमें दही का यूज नहीं करते, इसमें टमाटर का यूज करते हैं, टमाटर क्या जब दरदरा कीमा बनेगा ना तो टमाटर आएंगे मुंह में, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े तो ज़्यादा अच्छी टेस्ट, ज़्यादा टेस्टी लगता है उसमें, थोड़ा सा पानी डाल दीजिए ताकि ये चिपके नहीं। टमाटर की डालते हैं किलो है ना टोटली, हाँ दो इसको पानी डालूंगा मैं, पानी डालेंगे कीमा कलेजी को अपन पकने देंगे ढक के। ये चीज एक बार चिपकी ना फिर सारा टेस्ट खराब है, एक जंगली मांस और एक कीमा कलेजी उनको चिपकने नहीं देना कभी। चलो इसको सेट होने देते हैं। ये कौन सा मसाला देता है? ये अपना है इसका मटन मसाला है। अच्छा अच्छा, कसूरी मेथी सेट है, बन के रेडी हो चुका है, थोड़ा लिक्विड फॉर्म में रहती है आपकी है ना, ये क्या रोटी वगैरह खाते हैं ना लोग यहाँ पे, वैसे दरदरा है देखिए पूरा, पर इसको जब फ्राई पैन में लेके जाएंगे ना अपन तब कोई बोलता है ड्राई करो ड्राई करो, अच्छा हाँ, वरना कोई बोलता है ग्रेवी में रखना, रोटी के हिसाब से प्रेफरेंस क्या रोटी के हिसाब से ज्यादा होती है। तो भाई ये देख लो, अब ये तवे पे इसको थोड़ा सा सेट किया जाता है इसे थोड़ी सी इसकी थिकनेस बढ़ाने के लिए, और देखो उधर साइड ये क्या मतलब भैया जंगली, ये जंगली है, वो जंगली बनता है भाइयों, देख लो ये देखो जंगली, क्या बात है भाई साहब, अब एकदम से गाइस एकदम थिक थिक हो जाएगा ये।